छिंदवाड़ा के बाल मजदूर मुख्यमंत्री कमलनाथ के इलाके के बच्चों का बचपन मजदूरी के दलदल में फंसा। 15 वर्षों से मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार स्कूल चलो अभियान के तहत स्कूली शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च कर अनेकों योजनाएं चला रही थी, लेकिन गरीबी की हालत जस की तस बनी हुई है और गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़कर मेहनत मजदूरी करने को मजबूर हैं। अपने परिवार का पेट पालने के लिए अपने घर से पलायन कर दूसरी जगह मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। जिनके हाथों में किताबें और कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथों में फावड़ा और तगाड़ी देखी जा रही है। वाकया है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा से नाबालिग बच्चे रायसेन में मजदूरी कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। बाल मजदूरी की समस्या से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि बच्चे बाल मजदूरी के दलदल में किस तरह से धंसते जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रायसेन जिले की, जहाँ सड़क निर्माण में मजदूरी के लिए मुख्यमंत्री के जिले से आए सैकड़ों मजदूर, जिनमें दर्जनों नाबालिग मजदूर भी मजदूरी करते हैं। अभी तक तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमेरिका से अच्छी सड़कों का हवाला दिया करते थे, वहीं वर्तमान मुख्यमंत्री कहते हैं कि विकास को देखना है तो छिंदवाड़ा में आकर देखो। लेकिन आज रायसेन जिले में सैकड़ों मजदूर, जिन्हें मुख्यमंत्री के गृह जिले में मजदूरी न मिलने के कारण रायसेन जिले में मजदूरी करना पड़ रही है, जहां नाबालिग लड़कियां भी मजदूरी करने के लिए छिंदवाड़ा जिले के तामिया से आती हैं। बाल मजदूरी की घटना को लेकर नायब तहसीलदार देवरी ने जांच कर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है और कहा है कि उक्त ठेकेदार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग की सरकारी योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुँच पा रही है, कारण है कि सभी सुविधाएं अंतिम छोर तक के व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती है। इस संबंध में शिकायत आपके माध्यम से आ रही है, इसकी जांच करवाई जाएगी। जांच उपरांत यदि उसमें इस प्रकार की सच्चाई पाई जाती है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। सर, ग्रामीणों का कहना है कि जो ठेकेदार है उसी घाट से नर्मदा की रेत उठाकर अपने काम में लगा रहा है। इसकी भी जांच करवाई जाएगी, यदि ये शिकायत है तो इसकी जाँच करवा के कार्रवाई करेंगे। रायसेन से ग्राउंड रिपोर्टर अजय गोहिल की रिपोर्ट।